हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एम्स की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा जिसमें आप लोगों को सैलरी 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की तरफ से निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में से एमएससी किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा अगर आप लोग एमसीए किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है अगेन कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है अगेन कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स तक रखा गया है। और लास्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से बीएससी या तो बीबीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हो तो आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स, लैटरल एंट्री वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, इसमें आप लोग को सैलरी पीए बैंड 2 के हिसाब से यानी कि 9,300 से लेके 34,800 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल 60,000 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी पीए बैंड 1 के हिसाब से यानी कि लेवल 4 के हिसाब से यानी कि 25,500 से लेके 81,100 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आप लोग को सैलरी पे बैंड 1 के हिसाब से यानी कि लेवल 5 के हिसाब से यानी कि 29,200 से लेके 92,300 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल रिसीव 55,000 पर मंथ मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आपको आपका जो सीवी है उसका सॉफ्ट कॉपी और उसके साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका स्कैन कॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उस केस में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज आप लोगों को आपके सीवी के साथ अटैच करके एक सिंगल पीडीएफ बनानी पड़ेगी।
और जिस पीडीएफ को आप लोग को इसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी इसमें मेंशन है, आप लोग उसी ईमेल आईडी पे 30 जनवरी 2023 से पहले मेल सेंड करना होगा। और मेल सेंड करने के टाइम आप लोग को सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम, और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस मेल को सेंड करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है। अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।